भाई चंद्रशेखर जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत गंभीर का विषय है। आप कुछ हो सकता है जानकारी ना हो, लेकिन मैं उस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए आज यहाँ आया हूँ। 200 किलोमीटर का सफर तय कर जी। भीम आर्मी के नाम से यूएस से, कनाडा और पता नहीं कहाँ कहाँ से भीम आर्मी के नाम पे चंदा इकट्ठा किया गया। उस चंदे का इस्तेमाल भीम आर्मी का ना होकर पर्सनल अपने यूज में किया गया। मैं यहाँ पे उन लोगों के नाम नहीं खोलना चाहूँगा जिन लोगों ने ऐसा किया है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल को? देखिए, आपने बताया कि ऐसा हुआ जी, मीडिया ने पहले भी ऐसा लिखा, ऐसा हुआ। मैंने पहले एक बार कहा था लोगों से, एक प्रेस मीट भी करवाई थी कि लोग किसी को भीम आर्मी के नाम पे चंदा ना दें जी जी। और पहले जो हो चुका, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो चीजों को खराब करता है, तोड़ने का काम करता है जोड़ने का। और क्योंकि भीम आर्मी को लालच नहीं, भीम आर्मी प्रमुख को पैसे का लालच नहीं। क्योंकि मैं जिस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा हूँ, तो साहब का आश्रम साइकिल पे पूरी देश की यात्रा करती है जी, तो पैसा डजंट मैटर, पैसा कोई मैटर नहीं करता। लेकिन क्योंकि लोग बड़े प्रेम से पैसा दे रहे हैं, उन्हें लगता है कि सही लोगों के पास पैसा जा रहा है, तो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, उनकी ये भावना गलत है। मैं उन्हें भी कहूंगा कि पैसा कोई मायने नहीं रखता, पैसे की वजह से इस लोगों की उम्मीद को, इस संघर्ष को बदनाम ना करें। तो आप जो दानी देता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, जो आपको प्रवासी भारतीय हैं जो बाहर देश में रहते हैं, वो आप भीम आर्मी को एक ऐसा सामाजिक संगठन के रूप में उसको बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो पैसा डोनेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ चंद लोग उस पैसे को खा जा रहे हैं? देखिए, ऐसा जो कोई व्यक्ति कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मेरा उन लोगों से निवेदन जो ऐसा कर रहे हैं, अगर उनके मन में भी कहीं सामाजिकता बची हो, कहीं इंसानियत बची हो, तो वो ऐसा ना करें भविष्य में जी। और रही बात उन लोगों की जो प्रवासी भारतीय नारायण जो मदद कर रहे हैं, देखिए बहुत लंबे समय से चला आ रहा है वो मदद करते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि मेरी रिहाई से लेकर जितने भी बेल में और सब चीजों में बहुत जगह से मदद हुई है, जो लोग बनते हैं उनकी उसमें मदद हुई। मैं शुक्र आपके चैनल के माध्यम शुक्रिया अदा करता हूँ सब लोगों एनआरआई के जिन्होंने मदद की, क्योंकि मुझे सच कहने में कोई परहेज नहीं है जी। क्योंकि अगर मैं व्यक्तिगत रूप से इस लड़ाई में, इस संघर्ष में, जो कोर्ट के मामले थे सब में पैसा लगाता, इन्वेस्टमेंट करता, तो मेरा तो घर भी बिक जाता जी जी जी। तो मैं तो गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ। तो उन लोगों को मैं इतना कहना चाहता हूँ, साहब आपने मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें जरूरत भी पड़ेगी, जब जरूरत होगी तो मैं भीम आर्मी प्रमुख ही आपसे मदद के लिए आपको कोई जरिया बता देगा। तो इस बार किसी गलत आदमी को मदद ना करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपकी, आपका जो प्रेम है उसको ठेस ना पहुंचे जी जी जी। क्योंकि जब आपको पता लगा आपके पैसे का मिसयूज हुआ तो आपको कष्ट होगा। तो मैं आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते कहना चाहता हूँ कि साहब अभी आप ऐसा ना करें। अगर हमें मदद की जरूरत भी पड़ेगी सामाजिक काम करने के लिए, तो हम आप पे कोई ना कोई रास्ता आपको सही बता देंगे।